खरगोन जिले की झिरन्या तहसील के ग्राम तिरसिया के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को तरस गए हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों की भीड़ सरपंच सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए इस बात का खुलासा किया कि गांव में आवास योजना, शौचालय निर्माण, खरंजा निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। मीडिया से रूबरू ग्रामीणों ने इस बात का खुलासा भी किया कि शासन से मिलने वाली योजनाओं की राशि सरपंच और सचिव फर्जी तरीके से डकार रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, अन्यथा हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। गाँव में कुछ समस्या, बहुत सारी समस्या, पर अभी तक किसी समस्या का सलूशन नहीं हुआ। क्या क्या समस्या है? समस्या है, शौचालय के नाम से ठग हो रहा है, वहाँ पे कुटीर के नाम से भी ठग हो रहा है, ना तो रोड है सही ढंग से बन रहा है, ऐसी कंडीशन में ना तो एम्बुलेंस जा सकती है, वहाँ पे बच्चे स्कूल जाने में बहुत दिक्कत जाती है, ये दिक्कत है, और कार्रवाई करने पर सही ढंग से नहीं कर्मचारी बताते। क्या मांग करी आपने? मांगने यही करी, इसी मांग के लिए हमें पिछले 2 सालों से कर रहे हैं ट्राई, मंत्री ना सुन रहा है, ना सरपंच सुन रहा, कुछ भी नहीं सुन रहा। मांगे नहीं पूरी हुई तो? मांगे नहीं पूरे तो और हम आंदोलन और आ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। जनपद स्तर पर कोई शिकायत करी है इस बारे में आपने? इस बारे में जनपद स्तर पर करी थी, पर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव में नल की व्यवस्था नहीं है, पीएम आवास भी हमारे ग्राम तिनचा में 300-350 मकान है सर, उसमें से 3 ही है, और अपने ग्राम में रोशिया में ना तो शौचालय, 50-10-20 शौचालय है, उसमें भी सीट पर दीवारी है, ना गड्ढे हैं लगे हुए हैं, ना सीट लगी हुई है, और ना एम्बुलेंस जा सकती है, रास्ता इतना खराब है सर, अभी हम फोटो बता सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।